अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड खुशहाल होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप जब ये व्लॉग देखोगे तो ऑलमोस्ट 18 रोज़े हो गए हैं और पता ही नहीं चला यार, आधे से ज़्यादा रोज़े निकल गए और आखिरी अशरा शुरू होने वाला है। तो खैर, ये व्लॉग है 14 रोज़े का और सहरी में एज सच कुछ मैंने ज़्यादा बनाया नहीं था, क्योंकि रात में हमने खाना खाया था और सहरी में सिर्फ हमने मालपुआ खाया था, नॉर्मल चाय ब्रेड बटर खा लिया था। तो अभी मैं इफ्तार की तैयारी कर रही हूँ, तो बाकी प्रिपरेशन मैंने कर दी है और अभी मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ चिकन रशियन कबाब। तो जिसके लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसमें डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक इसकी रॉ स्मेल ना चली जाए। अच्छा, थोड़ा सा मेरा ना गला ख़राब है तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। और उसके बाद यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स लिए हैं, शिमला मिर्ची लिए, गाजर, पत्ता गोभी और हरी मिर्ची, जिनको एकदम बारीक काट के लिया है। आप चाहो तो कद्दूकस करके भी ले सकते हो। तो इनको है ना हाई फ्लेम पे भून लेंगे, हल्का सा, एकदम पकाना नहीं है, हल्का सा इनको भून लेंगे। उसके बाद मैंने ना चिकन, मेरे पास श्रेडेड चिकन मैंने बॉईल करके ऑलरेडी रखा था, और अगर आप चिकन बॉईल कर रहे हो ना तो उसका जो चिकन स्टॉक आता है ना वो आप फेंकिएगा मत, वो इसमें यूज़ होता है। यहाँ पे अभी मैंने एक चम्मच मैदा डाला है, इसको भी भून लेंगे। मैदा कच्चा है तो थोड़ी कुछ सेकेंड्स के लिए इसको भून लेना है एकदम अच्छे से वेजिटेबल्स के साथ में। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे पास चिकन स्टॉक नहीं था तो मैं 1/4 कप दूध डाल रही हूँ ये सब्ज़ियों में। पता है मेरे पास जो श्रेडेड चिकन है ना वो थोड़ा ही था, तो उसी के हिसाब से मैंने बाकी के वेजिटेबल्स वगैरह सब कुछ लिए हैं। थोड़ी देर के लिए इसको भून लेंगे सब्ज़ियों के साथ में, उसके बाद जो हमारा श्रेडेड चिकन है उसको इसमें डाल देंगे। अब है ना सारी चीज़ों को आपस में एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ना बॉईल किया हुआ आलू डालेंगे। तो मैंने दो एकदम छोटे छोटे आलू डाले हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। मैं क्या करती हूँ ना, जो घर में आलू आते हैं ना तो उसमें से जो बड़े बड़े आलू होते हैं ना उनको मैं साइड में कर देती हूँ, जो हम भजिया बनाते हैं बटाटे की उसके लिए, और जो छोटे छोटे होते हैं ना उनको मैं ये सब कामों में यूज़ करती हूँ, जैसे वड़ा बनाना हो गया, कभी आलू टिक्की बनाना हो गया, किसी चिकन के आइटम में लग जाता है, तो वो सब में मैं बॉईल करके यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने एकदम मीडियम साइज़ का है ना प्याज बारीक चॉप करके डाला है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स, काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, विनेगर डालेंगे, सोया सॉस भी डालना है था, लेकिन मेरे पास है ना सोया सॉस है नहीं तो मैंने सोया सॉस नहीं डाला है। अगर आप बना रहे हो तो सोया सॉस ज़रूर डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे नमक डाल लेंगे। कोशिश करिएगा कि नमक आप मतलब टेस्ट के हिसाब से ही डालिए, क्योंकि मैंने जब चिकन बॉईल किया था ना तो उसमें भी नमक मैंने डाला था, तो मैंने नमक थोड़ा ही डाला है। सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से आपस में मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद आप चाहो तो इसमें धनिया पत्ता डाल सकते हो, मैंने नहीं डाला है क्योंकि मेरे पास नहीं था। हरा कांदा भी डाल सकते हो, मेरे पास ये सब नहीं था, जो थोड़ा बहुत चीज़ें थी मैंने उसी में बनाया है। और पता है आज ना अम्मी अब्बू आने वाले थे, तो पहले से पता नहीं था, सुबह सहरी में ही पता चला कि अम्मी अब्बू आने वाले, तो मैं ज़्यादा कुछ प्रिपरेशन कर नहीं पाई। तो मेरे पास यही श्रेडेड चिकन वगैरह रखा था, तो जो कुछ घर में अवेलेबल था उससे ही मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी इफ्तारी बना ली थी। मेरे पास कीमे का कबाब बैटर रखा था, तो वो भी मैंने यहाँ पर कबाब तल लिया है, और मैंने रशियन कबाब बना लिए थे। साथ ही हस्बैंड भी बाहर से कुछ इफ्तारी लेके आ गए थे, लेकिन बाहर से जो इफ्तारी आती है ना रमज़ान में वो यूज़लेस होती है, क्योंकि उसका ऑयल इतना गंदा लगता है ना, कभी आप खाओगे ना तो आपको समझ में आएगा, उसका ऑयल जो रहता है ना वो रीयूज़ कर करके उसका ऑयल इतना पुराना हो जाता है, और वो ना खाने पे ना गले में चुभता है। खैर, यहाँ पे मैंने रशियन कबाब को शेप में ले लिया था, ओवल शेप में। अब इसको अंडे में डिप करके, और जो हमारी बारीक वाली सेवई आती है ना जो हम शीर कुरमा बनाते हैं वो वाली सेवई में कोट करके फिर इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसको डीप फ्राई नहीं करना रहता है, हम लोग इसको शैलो फ्राई करते हैं। सब लोग का अपना अपना तरीका होता है, बाकियों का मुझे नहीं पता, बट हम लोग इसको शैलो फ्राई करते हैं। और मैंने बटाटे की भजिया बना ली थी, कांदे की भजिया बना ली थी, ऑल्सो चना मसाला बना लिया था, मैंगो क्रीम बना लिया था। तो नहीं नहीं बोल के भी माशाल्लाह अच्छी खासी इफ्तारी हमारे घर में रेडी थी। अच्छा, पता है जब आप सिंगल पर्सन हो ना किचन में काम करने वाले, तो
टाइम लग ही जाता है क्योंकि कटिंग भी हमने ही करनी होती है, फ्राई भी हमने ही करना होता है, बाकी के छुटुर पुटुर काम भी हमको ही करने होते हैं। तो मुझे भी अच्छा खासा टाइम लग गया था, 6:30 हो गए थे। यहाँ पे आयशा और अरहान मेरी हेल्प करने लगे थे बाकी के काम करने में, थोड़ा बहुत हस्बैंड ने भी आके हेल्प कर ली थी, और अम्मी अबू के आते साथ नेहा ने फ्रूट्स काट लिए थे, दस्तरखान बच्चों ने सजा दिया था और उन लोग ने ही प्लेट भी तैयार की थी। तो खैर हमारा टाइम हो गया था इफ्तार करने का, तो यहाँ पे हम लोग दुआ मांगने बैठ गए थे, और जैसे ही अजान होगी हम रोज़ा खोलेंगे। आप रोज़ा रखते हो तो प्लीज़ मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और मैं भी आप सबके लिए दुआ करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, और बाय बाय, सी यू सून, अल्लाह हाफिज़।